सत्यमेव जयते की वजह से मैं समृद्ध हो गया हूँ, मेरा विश्व खुल गया, और हमारे सामने जानने के लिए, खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कितना कुछ है, इसके बारे में एहसास हुआ। मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते की वजह से सिटीजन आमिर खान सामने आए हैं, तो इसलिए मेरा पूरा इंटरेक्शन जो हो गया है वो एक ऐसे इंसान के साथ हुआ है जो अपने आप को एक अभिनेता कम और एक नागरिक, एक जागरूक नागरिक इस तरह से अपने आप को वो देख रहा है और अपने आप को वो काम में लाना चाहता है। मेरे मन में ये सवाल था कि इस इंसान के पास वक्त कहाँ होगा ऐसे शो के लिए, तैयारी करने के लिए। लेकिन मुझे आज तक ताज्जुब इस बात का होता है कि सत्यमेव जयते के संदर्भ में कोई ऐसी चीज नहीं हुई है कि जहां पर आमिर ने यह कहा कि सत्या, ये मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं। तो चाहे 12 बजे मीटिंग शुरू करनी पड़े रात को, चाहे पूरी रात काम करना पड़े, चाहे दिनों, हफ्तों, महीनों तक किसी विषय का रिसर्च करना पड़े, चाहे अपनी फिल्म की डेट्स कैंसिल करके सत्यमेव जयते पर काम करना पड़े, ये सब काम आमिर ने किए हैं। तो जिसे एकाग्रता कहते हैं, जिसे फोकस कहते हैं, जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं, इस प्रकार का कमिटमेंट आमिर ने इस शो को दिया है, और इसके बगैर ये शो हम लोग नहीं बना पाते। मुझे बहुत अंदर से लगता है कि ये एक ऐसा शो है जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो इसलिए जितने भी सत्यमेव जयते को चाहने वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए, एक बेहतर भारत का सपना हम सब मिलकर देखें, अपने अपने स्तर पर हम कोशिश करें, क्योंकि अगर हम सब तय करें कि एक बेहतर भारत बनाना है तो ये ज़रूर मुमकिन है।